आज से नवरात्र से लेकर नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों पर लोगों की श्रद्धा और भक्ति जिस तरह उनकी समझदारी और संयम पर भारी पड़ रही है, उससे कोरोना के फैलने और लोगों की जान जोखिम में पड़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। गुड़ी पर्व पर क्यों भूले सावधानी, बैसाखी पर क्यों छोड़ा मास्क, विशु मनाओ या रमजान, लेकिन बचाओ अपनी और सबकी जान। त्योहार कहीं ना बन जाए जी का जंजाल। गुड़ी पर्व यानी नववर्ष के दिन लोग सभी के लिए सौभाग्य की कामना करते हैं, लेकिन दादर की फूल मंडी का ये हाल देखकर लग रहा है जैसे लोग सौभाग्य नहीं कोरोना बांटना चाह रहे हैं। कोरोना काल में ये भीड़ और लापरवाही घातक हो सकती है। लोगों से त्योहार सादगी से मनाने की अपील भी की गई थी, पर तस्वीरें बता रही हैं कि लोग फूलों की चाहत में ऐसे उमड़े कि सारी सावधानी छोड़ दी। ये उस मुंबई का हाल है जो पहले ही कोरोना से बेहाल है। पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें वहां भी अलग नहीं है। को अपना ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस की पालना करनी चाहिए, अवेयरनेस को समझना चाहिए थोड़ा सा क्या है क्या नहीं मुद्दा है, और अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमने चारों तरफ भी, और सरकार को इससे जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए। सरकार भी चलो जनता के लिए रक्षा के लिए ही करती है, कुछ भी करती है। सरकार को चाहिए भी लोगों से आम पब्लिक से मिलकर जो जो चीज की जरूरत है उसको थोड़ी अवेयरनेस भी चाहिए, देखे सोशल डिस्टेंस के साथ ये सारा काम किया जा सके। कर्नाटक में नए साल को उगादी के नाम से जाना जाता है। त्योहार के लिए शॉपिंग करने लोगों की भीड़ जान जोखिम में डालकर उतर आई। ये मशहूर केआर बाजार की तस्वीरें जहां सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। केरल में त्योहार विशु के नाम से मनाया जाता है। कोरोना पीड़ित राज्यों में केरल का भी नाम है, ऐसे में यहाँ ज्यादा सावधानी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ भी चाल मार्केट में त्योहार के मौके पर अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोग मास्क पहने हुए थे लेकिन सामाजिक दूरी गायब। कोरोना इज इन फुल प्लेस बट द सेलिब्रेशंस आर देयर, दैट्स व्हाट वी आर ऑल रशिंग टू बाय टुमारोस, यू नो, सेलिब्रेट द फेस्टिवल। बिहार में भी हाल अलग नहीं है। यज्ञ के नाम पर अकेले वैशाली जिले में 40 से ज्यादा जगहों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है जहां हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। ऐसे में कोरोना नए रिकॉर्ड नहीं बनाएगा तो भला क्या होगा। सवाल यह है कि लोगों की जान से खेल हो रहा है तो क्या प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे है। ध्यान दीजिए, कल से रमजान भी है। रमजान के लिए भी हालात अलग नहीं है। कुछ लॉकडाउन का डर और कुछ रमजान के लिए शॉपिंग। कई दुकानों, बाजारों और मॉल्स में जमकर भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें विद्या विहार इलाके की हैं, जहां एबीपी न्यूज के पहुंचने के बाद पुलिस की नींद खुली और भीड़ कम हो गई। अब सबको अपना लॉकडाउन का ही लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो अब सामान नहीं रहेगा घर में तो कैसे हम लोगों का चलेगा काम। यूजुअली जो कमोडिटी लगती है वो अभी हम खरीद के रख दे रहे हैं एक महीने तक, और फिर ईद में भी हमें पता नहीं कि खुला रहेगा नहीं रहेगा, तो ईद का स्टॉक भी हमें लेना पड़ेगा आज ही। लॉकडाउन से तो डरे हुए, बोले नहीं मिलेगा 14 तारीख के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, लॉकडाउन लगेगा, इसके बारे हम लोग आ गए। धर्म अफवाहों में जीने का नाम नहीं है, बल्कि कोरोना जैसी मुसीबत से जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का पालन करने के लिए जरूरी है कि धार्मिक तामझाम नहीं बल्कि बचाव पर ध्यान दीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।